हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आपको मेरा लोकेशन देखकर के पता चल रहा होगा कि अभी मैं ट्रेन में हूँ, और कैप्शन देख के पता चल गया होगा कि हम लोग अभी पटना से बैंगलोर जा रहे हैं। तो हालांकि अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रिपरेशन हम लोगों ने किया, बहुत सारे, और घर से जब वापस आया तो मैं सोची कि मैं वीडियो शूट करूँगी, पर शूट नहीं कर पाई क्योंकि माहौल वैसा नहीं था, सब काफ़ी इमोशनल हो गए थे, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो राइट नाउ अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैं अभी हूँ ट्रेन में, एंड अभी हमारा स्टेशन है आगरा जंक्शन। तो अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी है, हालांकि यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी हुई है। तो हम लोग अभी गाड़ी जाने का वेट, ट्रेन जाने का वेट कर रहे हैं, और हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोग हमारी ट्रेन जा रहे हैं। और जब अभी हम लोग कुछ देर बाद हम लोग नाश्ता, कुछ देर बाद हम लोग लंच करने वाले हैं, लंच नहीं, कुछ देर बाद हम लोग डिनर करने वाले हैं। तो जब डिनर करेंगे तब आप लोग से मिलेंगे। और ये देखिए, इग्नोर कर दो, ये सोने में बिजी है, हमको अकेले छोड़ दिए हैं। कैसा हमारा रूम है, और आपको भी दिखाएंगे कि हमारा रूम कैसा है, फ्लैट का है। ऑब्वियसली हमारे लिए जब सरप्राइज़ है तो आपके लिए भी सरप्राइज़ रहेगा ही रहेगा। बाकी बाहर का लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यूज़ बहुत प्यारा है। ये देखिए कितना प्यारा व्यूज़ है, और यहाँ मेरे हस्बैंड जो कि सो रहे हैं, हम लोग काफ़ी बोर हो गए हैं। चलिए अभी फ़िलहाल मैं फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, उठ करके फिर उसके बाद मैं आप लोग को आगे का दिखाती हूँ, या फिर डायरेक्ट मैं पहुँच करके आप लोग को आगे का दिखाऊँ कि हम लोग शिफ्ट कैसे कर रहे हैं। और ये मेरी मिसेज सुबह सुबह चाय पी रही है, अपने चाय कैसा है, कैसा है चाय? चाय बहुत ही बकवास है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि चाय दूध का चाय बना हुआ, बट ये दूध का नहीं, ये पाउडर वाला दूध का है, बहुत ही बकवास है। तो दूध ही का ना, बट ये पाउडर का हुआ ना, वो दूध का नहीं है ना। तो सुबह सुबह मतलब चाय पीना आई बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई लत नहीं है, बट अच्छा लगता है, ये नहीं पीते, अच्छा है। और क्या, और अभी चाय पी करके हम लोग थोड़ा सा बाहर का व्यूज़, ये देखिए बाहर का व्यूज़ कितना अच्छा है। अभी तो कुछ खास नहीं दिखा रहा ना, थोड़ी देर में हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, ये कोई शायद कोई स्टेशन गया। इस इंसान को देखिए, क्या करने जा रहे हैं आप? अपना पिटाई, ब्रश करने जा रहे हैं ना? देंगे अभी तुम? नहीं, ब्रश करने जा रहे हैं ना, और टंग क्लीनर करते हैं कि नहीं? भाई कौन नहीं करता, सब करता है, इसमें पूछने क्या बात है? नहीं, हम बस पूछ रहे थे। कौन नहीं करता है? टंग क्लीन करते हैं ना? सब करते हैं, कौन नहीं करता, आप नहीं करते क्या? ओके, तो फाइनली ये बोले कि ये टंग क्लीन करते हैं, अब बात से मुकरेंगे तो नहीं ना? इनोसेंट जा रहे ना अभी ये जा रहे हैं ब्रश करने, इनको मैंने टंग क्लीन करने के लिए जबरदस्ती किया, ये नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये झूठा इंसान। ठीक है, आप करके आइए, बाय बाय।
और फाइनली इतना लेट होने के बाद हम लोग चेन्नई पहुँच चुके हैं। चेन्नई है ना? हाँ जी चेन्नई। बट कुछ और लिखा हुआ सेंट्रल रेलवे स्टेशन लिखा हुआ। तो फाइनली हम लोग बैंगलोर पहुँच चुके हैं और ये हमारा इतना सारा लगेज है। आई थिंक आपको हमारा आवाज़ नहीं आ रहा होगा। और अभी हम लोग कैब को बुक कर रहे हैं। कैब जब बुक करेंगे तब वीडियो बनाएंगे कि यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है, कुछ आवाज़ आपको नहीं आ रहा होगा। फाइनली हम लोग को कैब मिल गया है और अभी बैंगलोर में हो रही है बहुत जोरों की बारिश, कुछ दिख नहीं रहा है उसे। ये हमारा इतना सारा सामान, फाइनली गाइज हम लोग अपने फ्लैट पे पहुंच चुके हैं और अभी मैं आप लोग को अपना फ्लैट दिखाने जा रही हूँ। हालांकि अभी बहुत अंधेरा है तो डोंट माइंड, अभी हम लोग अभी जस्ट अभी आपको रूम दिखा करके तुरंत अभी फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होकर के बाहर जाएंगे, कुछ सामान जो है अभी लेकर के आएंगे, काफ़ी शाम हो गया है इसीलिए अभी जितना हो सकेगा उतना हम लोग शॉपिंग करेंगे। फिलहाल मैं आपको अभी अपना रूम दिखा देती हूँ। तो ये हमारा बाहर का बालकनी है और नदी का है और ये हमारा हॉल है। ये हॉल है एंड ये हमारा किचन है। हॉल से ही हमारा किचन है। अभी अंधेरा है, मे बी आपको ना दिख रहा हो क्योंकि बॉल वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग अभी जस्ट बाहर जाएंगे तो लेकर के आएंगे। ये छोटा सा माय फेवरेट डिश पूजा का थोड़ा दिया हुआ है एंड ये वॉशरूम है और ये रूम है जो कि बहुत ही अंधेरा है, मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए ये हमारा रूम है एंड ये सब हमारा लगेज है जो कि अभी हम लोग फिट नहीं किए हैं, अभी टाइम लगेगा हमें लगेज को सब कुछ अरेंज करने में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने, फ्रेश होकर के उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। तो अभी जाते हैं फटाफट क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। मिलते हैं आपको, मे बी शॉपिंग करने जाए तो मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, बाय बाय। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और दिखाते हैं यहाँ का एरिया कैसा है। ये है यहाँ का एरिया जो कि काफ़ी शांत है और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत बैंगलोर में बहुत रश है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो मेरे को नहीं चाहिए। और ये है मेन रोड, यस हमें यहीं आना था और हमें कुछ सामान लेना है। अभी कुछ सामान लेके फिर आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी हम लोग आए हैं, हमारा जो बाइक था जो हम लोगों ने ट्रेन के थ्रू यहाँ पे सेंड करा था वो उसको लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और रात में मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे शिफ्ट करने के चक्कर में। अभी मैं यहाँ का, अभी हम लोग आए हैं बेंगलुरु स्टेशन पे, SMBT बेंगलुरु स्टेशन पे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यूज़, बहुत सुंदर नया आई गेस बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये नया बना हुआ है। मैं दिखाती हूँ बाहर, इतना सुंदर है ये। यहाँ का स्टेशन है, लाइक आपको ऐसा फील होगा यहाँ आने के बाद कि आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे आ गए। इतना खूबसूरत बनाया है इन लोगों ने और क्लीन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे हर मिनट पे आपको बस भी मिल जाएगी, ऑटो मिल जाएगी। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक को लेने के लिए, गए हैं काउंटर पर अपने बाइक को लगाने के लिए और वहाँ हमारी बाइक खड़ी है। मैं नज़दीक जा कर दिखाऊँगी थोड़ी देर में आपको, ये सब सारे बाइक पार्क किए हुए हैं और ये अभी काउंटर पे अपना बाइक को रिसीव कर रहे हैं। हमारा रिसीविंग मिल चुका है, दिखाइए ये है हमारा रिसीविंग। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक के पास, हमारा बाइक है यहाँ, ये देखिए ये हमारा बाइक है और ये देखिए कितने अच्छे से पैक होकर के आया है। अभी वो रिसीविंग लेकर के आए हैं। छः घंटा होने के बाद घंटे लगे, मतलब लाइट पर आया तो कैसा, आधा घंटा हो गया ना, तो हाँ छः घंटे 100 रुपीज़ के बाद।
यहाँ हमारी बाइक हो चुकी है ओपन और हम लोगों ने पहले से तेल ला करके रखा था क्योंकि बाइक जब अपलोड होती है तो पूरा तेल निकाल लिया जाता है इसमें से। तब तक तो डाल सकते हैं ना, हाँ डालिए। ये डिक्की खोले और इसमें तेल डाल। अभी वो भी पता नहीं है कि एक लीटर में हम लोग जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है हमारा पेट्रोल पंप। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं जल्दी से, पेट्रोल पंप जाते हैं, देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। बैंगलोर स्टेशन, ये देखिए बिल्कुल लग रहा है हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर एयरपोर्ट। लुक एट दिस व्यूज, आगे से तो और ज्यादा खूबसूरत है। सुंदर बनाया हुआ है। तो गाइस वीडियो को मैं यही स्टॉप करती हूँ, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।